हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग नल एवं हौज को पढ़ रहे थे। आज उसी में टाइप फाइव से देखेंगे। दोस्तों, टाइप फाइव से पहले का सभी प्रश्न हो चुका है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से जाकर, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगा पाइप एंड क्रिस्टन का। उसके बाद हम लोग एसआई एवं सीआई को पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप फाइव क्या कहता है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखेंगे 99 नंबर प्रश्न। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी प्रत्येक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ए जो है कितना देर में खाली करता है, तो 5.6 में। बी जो है कितना देर में, तो 7 घंटा में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 56 और 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 ही ले लेते हैं। 5.6 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, और 7 से इसको भाग करेंगे तो 8×7=56 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कहता है क्या कि टंकी पूरी भरी होने की स्थिति में, मतलब कि पूरा टंकी 54 है, इसको भरा है, और इसको टोटल कितना खाली करना है, तो टोटल खाली करना है एक घंटे के लिए इसको खोला गया और एक घंटे के लिए इसको खोला गया। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि जितना खाली करता है, यानी कि खाली कितना कर रहा है, 10, तो 10 को पहले हम लोग घटा लेंगे। ओके, 10 को क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को बताना है कि कितने घंटे में पूरा खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एक जितना पानी कम कर रहा है एक घंटा में, उतना को घटा लेंगे, यानी कि 10 को घटा लेंगे, यानी कि कितना काम करना है, तो 10 घटेगा तो 46 काम टोटल करना है। ओके, ऐसा क्यों, देखिए ये जो है ये लॉजिक वाला प्रश्न है, ये जो है आपको वो जो बंदर छलांग लगाता है उस वाले प्रश्न पे ये बनेगा। अब देखिए कि कहता है कि एक घंटा में पहले ए आएगा, ए क्या करेगा, 10 लीटर पानी निकालेगा एक आवर में, ए, ठीक है। फिर अगला घंटा में कौन आएगा, बी आएगा, बी क्या करेगा, 8 लीटर पानी उसमें डालेगा। एक और एक मिलकर क्या हो गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा में कितना पानी भराया, तो ये 10 लीटर तो निकाला और ये 8 लीटर डाला, यानी कि 2 के स्पीड से क्या हो रहा है, घट रहा है पानी, यानी कि 2 घंटा में 2 के स्पीड से पानी घट रहा है। घटाना कितना है, तो टोटल 46। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि 46 के निकट पहुंचेंगे, तो 23 से। 23 से इधर गुना, तो 23 से इधर भी गुना, तो 23 गुना क्या हो जाएगा, 46, यानी कि 46 घंटा में कितना पानी घट गया, तो 23 दुना 46 लीटर। 46 घंटा में 46 लीटर पानी घट चुका है, हमको पानी टोटल 56 लीटर घटाना है। अब कौन आएगा, तो एक घंटा के बाद आएगा ए। ए क्या करेगा, तो एक घंटा में 10 लीटर पानी गैप करता है, मतलब निकालता है, तो एक घंटा में 10 लीटर ये और निकालेगा। पहले 46 घंटा और ये यहाँ एक घंटा, यानी कि 47 घंटा में 46 और 4 46 10 56 लीटर, यानी कि 47 घंटा में टोटल 56 लीटर पानी को बहा देगा। ओके, मतलब क्या है कि टंकी खाली हो जाएगी, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये बंदर वाले संबंधित प्रश्न के ऊपर ये प्रश्न बनेगा। आगे 100, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी में भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। एक इनलेट पाइप मतलब भरने वाला, और एक आउटलेट पाइप यानी कि खाली करने वाला। टंकी के खाली होने पर इनलेट पाइप से ही की जाती है, मतलब शुरुआत जो है इनलेट पाइप से की जाती है, भरने वाले से। कहता है कि खाली टंकी को पूरी तरह भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटा लगता है, इसको 15 घंटा लगता है, और दूसरे को 21 घंटा लगता है। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 15 और 21 कैल्सियम हो जाएगा 105। 15×7=21 बचे। कहता है कि भरी हुई टैंक को भरने में कितना लगेगा, मतलब खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम फंडा लगाएंगे जो अभी 199 नंबर प्रश्न में लगाए थे। ये 7 लीटर एक बार में भरता है, तो यहाँ से 7 लीटर को घटा लेंगे, यानी कि कितना जाएगा, 98 लीटर। शुरुआती में हमको सबसे पहले 98 लीटर भरना होगा। एक घंटा के लिए आएगा ए,
करेगा 7 काम, फिर अगले घंटे के लिए आएगा बी, घटाएगा 5 काम, मतलब 5 काम ये पानी घटाएगा 5 लीटर, तो 2 घंटा में काम कितना होगा, 2 ही लीटर भर आएगा। ठीक है, हमको जाना है अभी शुरुआत में 98, तो इधर भी 49 से गुना, तो इधर भी 49 से, तो 49 दूना 98, ठीक है, 98 घंटा में 98 लीटर पानी भराया। अब अगला घंटा में कौन आएगा, तो जो शुरू करता है यानी कि ये, तो 1 घंटा में ये आएगा और ये कितना लीटर पानी डालता है, 7 लीटर, यानी कि 98 और 1 कितना हो जाएगा, 99, 99 घंटा में कितना हो गया पानी, 98 और 7 कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 99 घंटा में 105 लीटर पानी जितना था उतना भरा जाएगा, ऑप्शन डी 99। ओके, आगे 101 देखिए क्या है। पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप भी 2.4 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1 1 घंटे के लिए खोला और बंद किया गया, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा। देखिए, ए भरने वाला है 1.5 घंटा में, बी खाली करने वाला है 2.4 घंटा में, ये तो टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 पचे 120, यहाँ 120 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 12 ही को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 12, 15 से 12 काटेंगे तो 15 8 होता है 120, यानी कि 8 बार में, 24 से ये 5 बार में कटेगा। ओके, कहता है क्या कि पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला गया, एक पाइप ए है 1 आवर के लिए ए को खोला गया, तो ये कितना भरेगा, 8 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, अब कहता है कि इसको बंद करके अब अगले घंटे किसको खोला गया, तो बी को खोला गया, तो बी क्या किया, 5 लीटर पानी बहा दिया। फिर क्या हुआ, अगला घंटा कौन आएगा, तो ए ही आएगा, फिर ये 8 लीटर भरेगा। ठीक है, फिर अगला घंटा कौन आएगा, तो बी आएगा, 5 लीटर पानी बहा देगा। इस प्रकार टोटल देखिए कि 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, टोटल 4 घंटा का काम हुआ और काम कितना हुआ, 8 और 8 16 लीटर इसने पानी भरा, 5 और 5 10 लीटर इसने पानी बहाया, यानी कि भराया कितना, तो 6 लीटर ही पानी भराया। 4 घंटा में 6 लीटर पानी भराया, तो 6 लीटर यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे। अभी भी 6 लीटर पानी को क्या करना है, भरना है। अब ये 6 लीटर भरने के लिए कौन आएगा, तो फिर आएगा ए, ए का स्पीड है 8, मतलब 1 घंटा में ए 8 लीटर पानी भरता है, लेकिन 8 लीटर तो नहीं भरना है, 8 लीटर से भी कम भरना है, यानी कि 8/6/8 टाइम यहाँ लगेगा। 4 घंटा यहाँ, 6/8 टाइम यहाँ, तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 सही 6/8, ये 3 ये 4, तो इसको पॉइंट में 4 चौका 16 और 3 19/4, इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो 4 चौका 16 7 चौका 28, 5 घंटा, 4.75 घंटा, ऑप्शन ए। ओके, आगे 102, खाली हौज को इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लेता है। ये वो भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। इस प्रकार भरने वाला जो है 11.25 का टाइम लेता है और खाली करने वाला 22.5 का। अगर ये टाइम था तो स्पीड में क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो 11.25 और 22.5 का एलसीएम हो जाएगा 22.5 ही। ओके, 11 से यहाँ 2 बार में इतना से 1 बार में, ये तो खाली करने वाला तो माइनस, ठीक है, 1 घंटा में ये 2 लीटर पानी को क्या करता है, भरता है, तो यहाँ से हम लोग 1 बार में 2 लीटर निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको भरना कितना है, तो देखिए 22.5 में से 2 जाएगा, तो 20.5 के निकट में हमको जाना है। ठीक है, कम से कम 1 बार में इतना पानी भराएगा, तो 1 घंटा में आएगा कौन, ए 2 लीटर भरा, अगले घंटा में आएगा कौन, बी 1 लीटर खाली किया, 2 घंटा में काम कितना हुआ, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1। अब इसके निकट जाना है तो इधर भी 21 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 21 से गुना हो जाएगा, 21 दूना 42 में घंटा में काम कितना हो गया, 21 लीटर, 42 घंटा में 21 लीटर पानी भरा गया, तो टोटल 22.5 लीटर भरना था, 22.5 में से 21 लीटर भरा गया, यानी कि अभी भी कितना भरना है, तो 1.5 लीटर भरना है, 22.5 में से 21 लीटर भरा गया, यानी कि अभी भी 1.5
भरना है। तो 1.5 भरेगा कौन, फिर आएगा कौन, ए का स्पीड कितने है 2, तो 2 के स्पीड से भरेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 5 3 15, 5 चौका 20, यानी कि अभी 3/4 घंटा और लगेगा। तो 42 घंटा इधर और प्लस में 3/4 घंटा इधर, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 से 4 से ये 15 बार में, यानी कि 42 घंटा 15 45 मिनट, 42 घंटा 45 मिनट डी नंबर। ओके आगे 103। पाइप ए प्रवेशिका पाइप है जो खाली टंकी को 69 घंटे में भर सकता है, ए 69 घंटे में भर सकता है, बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, ये खाली करने वाला है। पाइप बी से शुरुआत करते भरी हुई टंकी को 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया, टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम था स्पीड। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा जस्ट इसका डबल, 138 इसका डबल, ठीक है, तो इसका 2 गुना और 46 से यहाँ से 3 बार में, ठीक है। पहले शुरुआत कौन करेगा, बी, तो बी तो एक बार में 3 लीटर पानी घटा रहा है तो यहाँ से एक बार 3 लीटर घटा दीजिए, यानी कि 135 लीटर आपको एक बार में जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, तो पहले आएगा बी, बी क्या करता है 3 लीटर पानी 1 घंटा में निकालता है। अब आएगा ए, 2 लीटर भरेगा, क्या होगा, ये 1 घंटा चला, ये 1 घंटा चला, 2 घंटा में क्या हुआ, 1 लीटर पानी खत्म हुआ। खत्म कितना करना है अभी, सबसे पहले 135 लीटर, तो इधर 135 से गुना करेंगे, 135 से इधर, तो इधर भी 135 से गुना, तो 135 दूना 270, 270 घंटा में खाली कितना हो गया, 135 लीटर पानी खाली हो गया। अब फिर कौन आएगा, तो जो काम स्टार्ट किया वही आएगा, और ये जब आता है तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी बहाता है, तो 1 घंटा और इसको लगेगा तो ये 3 लीटर पानी और बहा देगा। 135 और 3 कितना हो जाएगा, 138 लीटर पानी, और 170 और एक सॉरी 270 और एक 271 आवर, तो 271 आवर में 38 138 लीटर पानी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 271 आवर। अब देखिए इसको दिन में कन्वर्ट किया है, तो 271 को अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 24 से इसको भाग कर दीजिए, 24 एकम 24, फिर 3 1, 24 एकम 24 11 दिन, फिर कितना आएगा, 24 एकम 24, 24 एकम 24 6 1 7/24। अब इसको अगर हम लोग 60 से 12 दूना 12 25, सॉरी देखिए 24 एकम 24 के 4, फिर कितना हो जाएगा, 24 एकम 24 के 4, और फिर 3 1 31, फिर 24 एकम 24 36, यानी कि 11 दिन और 7 घंटा, ठीक है, 11 दिन 7 घंटा होगा डी नंबर। ओके आगे 104। एक प्रवेशिका पाइप और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1 घंटे के लिए क्रम में खोला जाता है। टंकी को खाली होने में शुरुआती प्रवेशिका पाइप की से की जाती है। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटे लगते हैं। ए कोई भरने वाला है जिसको लगता है 10.5 घंटा, और बी कोई खाली करने वाला है जिसको 35 घंटे में खाली कर सकता है, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10.5 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार में, और 35 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो मैं साइड में काट लेता हूँ, देखिए काटना कैसे है, तो 10.5 भागा 35, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 35 30 30 90 5 3 15, यहाँ 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 0.3। ओके इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरी तरह खाली कर सकता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले जो शुरुआत में कौन करता है, ए करता है भरने का काम, ठीक है, तो ये 1 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 भरेगा, तो 1 को पहले हम लोग यहाँ से घटाकर कम कर लेंगे, ठीक है, 1 को यहाँ से घटाकर कम कर लेंगे, यानी कि भरना कितना है, तो 9.5, तो 1 ए जो आएगा 1 घंटा के लिए आएगा, कितना भरेगा, 1 भरेगा। अगले घंटे में कौन आएगा, तो बी आएगा, ये क्या करेगा, 0.3 को खाली करेगा, यानी कि 2 घंटा में काम कितना हो जाएगा, तो 1 में से ये 3 को खाली किया, यानी कि 0.7 भराया, ठीक है, क्या हुआ, 0.7 भराया। तो हमको इतना के अप्रोक्स में जाना है, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, ठीक है, कि उतना के अप्रोक्स में चले जाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग गुना की बात करें तो 9 के निकट में जाना है, तो मोटा मोटी कितना से गुना कर दें, 11 से, देखिएगा गुना करके, 11 से नहीं होगा,
15 से देखिएगा गुना करके तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 14 से गुना करके देखिएगा, ठीक है, कितना से, 14 से, 14 सते कितना होगा, 98, 9.8, ओके, तो 14 से इधर भी गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 28 घंटा में काम हो गया 9.8, ठीक है, टोटल काम करना था 10.8, तो 10.5 में से 9.8 काम हो गया, ठीक है, तो काम अभी भी कितना बचा है तो घटा लीजिएगा तो काम बचा हुआ है 0.7। अब ये 0.7 कौन करेगा, एक करेगा एक के स्पीड से, तो एक के स्पीड से करेगा 0.7 काम, तो 1 घंटा इसको लगेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 7/10, तो इसको मिनट को इसको 60 से गुना, 1 0 से 1 0 यानी कि 7 6 42 मिनट लगेगा, 28 घंटा इधर 42 मिनट इधर, तो इधर 42 मिनट को और ऐड कर दीजिए, और इधर कितना ऐड होगा तो 0.7 काम, 28 घंटा 42 मिनट में 10.5 काम हो जाएगा, 28 घंटा 42 मिनट, 28 घंटा 42 मिनट, डी नंबर, ओके। आगे 105, पाइप ए एक इनलेट पाइप है जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 38 घंटे में खाली कर सकता है, ए 57 घंटे में भर सकता है, बी 38 घंटे में खाली कर सकता है, ये टाइम था, ये खाली करने वाला है, 38 और 57 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 114, जस्ट इसका 2 गुना और 38 से 3 गुना, ठीक है। आगे टंकी भरे होने पर दोनों पाइपों को एकांतर रूप से ब्री से शुरुआत किया जाता है, पहले कौन करता है, बी से, ठीक है, करते हुए प्रत्येक बार एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, तो बी 1 घंटा में 3 को खाली करता है, तो पहले यहाँ से 3 को घटा लेते हैं, यानी कि 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 111, यानी कि फर्स्ट बार में हमको 111 के निकट तक जाना है, मतलब क्या है कि पहले बी आया काम करने, -3 का इसका स्पीड था 1 घंटा में, अगला घंटा कौन आएगा, ए आएगा, इसका 2 का स्पीड है, यानी कि 2 घंटा में कितना काम हुआ, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 काम, मतलब कि 1 कानी घटाने का काम हो रहा है, हमको जाना है 111 के निकट, तो यहाँ 111 से गुना करेंगे तो 111 से इधर भी गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 222, 222 घंटा में काम हो गया 111। अब अगला घंटा में फिर कौन आएगा, तो बी ही आएगा, बी कितना काम करता है, 3 करता है, तो 1 घंटा और लगेगा और ये 3 काम कर देगा, यानी कि 223 घंटा में 114 काम हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए 223 घंटा ऑप्शन उधर है, और शायद ये 223 घंटा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको दिन में कन्वर्ट कर लीजिए, 223 को 24 से भाग, ठीक है, तो 24 से अगर इसको भाग लगाएंगे तो 24 से कितना बार में लगेगा, तो देखिए 24 से ये मोटा मोटी जाएगा, मोटा मोटी चला जाएगा 24 5 120, 24 8 2 92, 192, 24 9 216, यानी कि 9 दिन और फिर 216 4 3 7 घंटा, ठीक है, देख लीजिएगा, तो देखिए डी नंबर है, ओके। आगे 116, 6, देखिए दोस्तों 107 नंबर जो प्रश्न है वो आपका गलत बनाया हुआ है बुक में, ठीक है, चलिए, पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप ए 32 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है, पाइप बी 40 घंटे में भर सकता है, ये टाइम था, स्पीड की बात करेंगे तो 32 दूना 64, 32 35 150, 160 हो जाएगा एलसीएम, 32 5 40 14, कहता है कि ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, शुरुआत ए करेगा, ए 5 1 घंटा में 5 लीटर पानी बहाता है, तो 5 लीटर इसको पहले यहाँ से घटाकर कम कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 155, ठीक है, तो ए जो है 1 घंटा में 5 लीटर पानी बहाता है, ठीक है, और अगला घंटा में बी आएगा जो कि 4 लीटर पानी भरेगा, क्या हुआ 2 घंटा में 5 में से 4 जाएगा -1, मतलब कि 2 घंटा में 1 की स्पीड से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, 2 घंटा में 1 की स्पीड से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। आगे तो एक हमको जानना है अभी 155 के निकट, तो यहाँ पे 155 से गुना करेंगे तो इधर भी 155 से गुना होगा तो
तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 310 घंटा में काम कितना हो गया, 155। अब काम तो 160 करना है, 155 तक पहुंच गए। अब फिर कौन आएगा जो काम स्टार्ट किया, ए आएगा, 1 घंटा में 5 लीटर पानी और बहा देगा, ठीक है। तो 311 घंटा में 160 लीटर पानी बह जाएगा, 311 घंटा। ओके आगे 107 देखिए, पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ए 18 घंटे में भर सकता है, बी भरी हुई घंटी को 30 घंटे में, बी को माइनस में। तो जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक कार्यक्रम प्रत्येक समय पर 1 1 घंटे के लिए चालू रखा गया। तो कहता है कि तब टंकी नहीं भरी गई, टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ये टाइम था, स्पीड की बात करेंगे तो 30 और 18 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 30 90, 18 5 90, 30 30 90, ठीक है। क्या कहता है कि दोनों को 1 1 घंटे के लिए खोला जाता है। शुरुआत जो है पाइप ए को 1 घंटे के लिए किया, तो पाइप ए जो आएगा तो 5 लीटर पानी भर के जाएगा, ठीक है। ये आएगा तो ये 3 लीटर पानी गिरा कर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 लीटर भरा, ये 3 लीटर गिरा, यानी कि पानी 2 ही लीटर भराएगा, ठीक है। तो पहले तो हमको यहाँ से 5 लीटर कम से कम माइनस कर लेंगे, यानी कि अभी सबसे पहले 85 लीटर ही पानी का काम करना है, मतलब इतना ही भरना है। तो ये ए आया 1 घंटा के लिए, ठीक है, 1 घंटा के लिए आया ए, क्या किया 5 लीटर पानी भर दिया। फिर अगले घंटा के लिए आया बी, क्या किया 3 लीटर पानी खत्म कर दिया, यानी कि 2 घंटा में मात्र 2 ही लीटर पानी भरा रहा है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 लीटर, 2 घंटा में 2 लीटर, 85 लीटर के निकट जाना है। तो यहाँ पे कितना से गुना करना होगा कि 85 के निकट जाएंगे, 85 या फिर 85 से ऊपर, ठीक है। तो 40 दूना 80 होता है, 42, 43 दूना 84 हो जाएगा, 43 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 43 दूना 84, तो इधर भी 43 से को 2 से गुना करेंगे तो 43 दूना 3 दूना 6, और 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 और 1 4 दूना 8 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 86 घंटा में 86 लीटर पानी भरा गया। अब हमको क्या करना है, 86 लीटर तो भरा गया, अभी भी 4 लीटर भरना बाकी है। अब ये 4 लीटर कौन भरेगा, तो ए भरेगा 5 के स्पीड से, तो डिवाइड बाई 5, यानी कि 4/5 घंटा और लगेगा, 4/5 घंटा और लगेगा, तब जाकर 5 लीटर पानी और भराएगा, ठीक है। 5 लीटर नहीं, 4 लीटर पानी और भराएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 86 घंटा और 4/5 को अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 12 5 60, 12 चौक 48, यानी कि 86 घंटा 48 मिनट यही टाइम आएगा। ओके 86 घंटा 48 मिनट देख लीजिएगा, होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे देखिए 108, तो 107 का 86 घंटा 48 मिनट था। ओके दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, पाइप ए 2 घंटा में, पाइप बी 3 घंटा में, जबकि एक तीसरा पाइप सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये टाइम था, स्पीड की बात करेंगे, 6 3 2 कैल्शियम हो जाएगा, 6 2 3 3 2 6 1 6। कहता है कि जब टंकी 1/6 भरी थी, टंकी 1/6 भरी थी तो खाली कितना हो जाएगा, 5/6, ठीक है। टंकी 1/6 भरी हुई थी तो खाली कितना था, 5/6। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 5/6 भरना है। तो तीनों को जब खोलेगा तो ये दोनों मिलकर 3 2 5 भरेगा और ये 1 लीटर खाली करेगा, यानी कि 4 लीटर भराया, 4 से भाग, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 5/4 घंटा लगेगा, यानी कि 4 एकम 4 घंटा, 1/4 × 60, 4 से 15 बार में, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ओके आगे 109, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है, ए 28 बी 35, ये टाइम था। स्पीड की बात, बी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है, ए 28 घंटे में खाली कर सकती थी, ये खाली करने वाला है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा।
टाइप था एलसीएम लेंगे तो 140 हो जाएगा, 28 पचे होता है 30 चौका होगा, ठीक है। पहले कहता है क्या कि एक को अगर खोला जाए 1 घंटा के लिए, तो एक एक घंटा में 5 लीटर पानी बहाएगा, तो 5 लीटर बहाएगा तो यानी कि हम इसमें से 5 को क्या करेंगे, कम करके रख लेंगे, यानी कि 135 के सबसे पहले अप्रोक्स जाना है या फिर 135 से थोड़ा ज़्यादा। तो ए आएगा 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए पहले ए आया, 5 लीटर पानी बहा दिया। अगला घंटा बी आया, 4 लीटर भर दिया, दोनों मिलकर 2 घंटा काम किया और लेकिन 1 लीटर पानी निकाल रहा है। टोटल निकालना है अभी सबसे पहले 135 के निकट, तो यहाँ पे 135 से गुना करेंगे, तो 135 से इधर भी गुना करेंगे, तो 135 दुना होता है 270, यानी कि 270 घंटा में 135 लीटर पानी बह गया, मतलब खाली हो गया। अब ए फिर कौन आएगा जो काम शुरू करता है, ए काम शुरू किया है तो 1 घंटा में ये 5 लीटर पानी बहाता है, इसको 1 घंटा और लगेगा 5 लीटर पानी बहाने में, यानी कि 270 आवर और 1 आवर 271 आवर में कितना पानी बह गया, 135 और 5 140 लीटर, यानी कि 271 घंटा। ओके देख लीजिएगा आगे, 271 बी नंबर। ओके नेक्स्ट टाइप 6 110। एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक को पूरी तरह पानी निकाल सकता है, एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए पी 20 घंटे में और कोई क्यू भी है जो खाली करने वाला है, जो कि 12 घंटे में खाली करता है जब दोनों मिल जाता है, तो ठीक है पी क्यू जब दोनों मिल जाता है तो 12 घंटे में खाली होता है। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 12 पच्चीस 60। कहता है क्या कि क्यू का जो है प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकालता है, तो पहले तो क्यू का स्पीड निकालेंगे और क्यू कितना घंटा में ये काम कर सकता है, P3 और PQ5, तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा 2, 2 के स्पीड से ये करेगा 60 काम, तो कितना घंटा लगेगा इसको, 30 घंटा। ओके हमको बताना है कि कितना उस टैंक में पानी है, तो 20 लीटर प्रति घंटा वो निकाल रहा है, ठीक है, ये टोटल काम करता है 30 घंटा में, तो 20 एक घंटा में 20 लीटर, तो 30 घंटा में 30 गुना 20 यानी कि 600 लीटर, यानी कि कितना टंकी की धारिता 600 लीटर। ओके आगे 111। एक टैंक की एक छिद्र जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, कोई एक छिद्र है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। यदि पाइप को खोल दिया जाए लेकिन छिद्र के कारण टैंक को 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब ये तो खाली करने वाला था, एगो कोई भरने वाला है और ये को जो है खाली करने वाला है, ए भरने वाला है और बी खाली कर सॉरी ए खाली करने वाला है, बी भरने वाला है, तब टैंक जो है 12 घंटे में खाली हो रही है। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 12 और 8 कैल्शियम हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 2 24। अब देखिए कि हमको पहले बी का अगर स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 का स्पीड आ गया, यानी कि 1 के स्पीड से अगर बी टोटल 24 लीटर को खाली करेगा या फिर भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा लगेगा। अब कहता है जो 6 घंटे प्रति लीटर पानी भर सकता है, बी को भरने में लगा 24 घंटा और ये 6 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी भर सकता है, तो 24 6 कितना हो जाएगा, 144, 24 5 120 और 20 40 144 लीटर। ओके आगे 112। एक बाल्टी 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा होता है, बजाय जब वह 66.2 सहित 2/3% भरी हो। बाल्टी की क्षमता बतानी है। जब कोई बाल्टी 80% भरी होती है तो वह ज़्यादा होती है किससे, 66.2 सहित 3/प्रतिशत से, कितना अधिक, तो 2 लीटर अधिक, तो इसमें 2 लीटर अधिक कर दीजिए। अब प्रतिशत को एक साइड करेंगे तो इसको 80%, तो 80% माइनस, इसको अगर हम लोग पूरा को तोड़ेंगे तो 66 98 और 2 200/3% आएगा, बराबर 2 8 3 24, यानी कि 240 में से 200 जाएगा तो 40/3% बराबर 2, तो यहाँ से प्रतिशत का वैल्यू यानी कि 100% निकाल लीजिए, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से ये कटेगा 40 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 100 × 10/3, तो 3 ऊपर 10 नीचे, 1 0 से 1 0 यानी कि 10 तिहाई 30 लीटर, 10 तिहाई 30, 10/3 तो क्रॉस गुना, तो 3 ऊपर 10 नीचे, 10 तिहाई 30, सॉरी यहाँ पे 20 बार में कटेगा, 2 से 40 20 बार में, ठीक है।
तो 20 यहाँ नीचे 20 आएगा, 20 25 100, तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 लीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे 113, काजी पेट जिसकी आबादी 4,000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाला एक घनावाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा ये बताना है। तो देखिए घनावाकार है, घनावाकार है तो घनाव का आयतन क्या होता है, LBH। ठीक है, LBH, L कितना है, 15, 8 और 6। हमसे पूछा है कि एक घनाब की आबादी जो है, आबादी 4,000 है, तो इतना तो पानी टैंक में है और आबादी जो है 4,000 है। ठीक है, और प्रतिदिन 9 लीटर पानी पीता है, एक दिन 9 लीटर पानी पीता है तो कितना दिन चलेगा। और ये देखिए कि ये 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर में है। ठीक है, तो हमको लीटर में बताना है, नीचे तो लीटर में है। ठीक है, पानी क्या होगा लीटर में, होगा तो लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1,000। ठीक है, चलिए ये 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 4 दूनी 8, 3 3 आई 9, 3 3 आई 9, 3 दूना 6 होता है, माफ कीजिएगा, 3 5 15, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि पानी कितना दिन चलेगा, तो 20 दिन चलेगा। आगे 114, एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है, जब इसमें 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भाग भरा होता है। बर्तन की क्षमता बताना, अभी 3/5 भरा है, इसमें से 20 लीटर को तेल निकाला गया, तब तेल की मात्रा कितना है, 7/12 है, निकाला कितना गया, 20 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 5 कैल्शियम 60, 5 से 12 बार में तो 12 3 36, -12 5 तो 7 5 35 बराबर 20। आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 36 में से 35 जाएगा तो 1/60 बराबर 20, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1200। ये आगे 115, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। यदि कंटेनर की कुल क्षमता कितनी, देखिए पानी का 3/5 भरा था, जब उसमें से कुछ पानी निकाला तो 1/8 भाग भरा रह गया, और निकाला कितना गया, 38 लीटर। 8 और 5 कैल्शियम निकालिएगा तो 40, 5 8 8 3 24, -8 5 तो 5 बराबर 38, तो 38 24 में से 5 जाएगा तो 19/40 बराबर 38, तो 19 दूना 38 तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 दूना 80 लीटर। आगे 116, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकता है, ए जो है 25 मिनट में और बी आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में। सी पाइप तीनों 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए, ए बी और सी खाली करने वाला है तो 15 मिनट में खाली हो जाता है। टैंक की धारिता यानी कि क्षमता बतानी है, 15 30 और 25 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 25 और 15 कैल्शियम 75, 75 दूना 150। ठीक है, 25 छक्का 150, 25 30 35 और 15 दहाई के। अब हमको बताना है टैंक की क्षमता, इसको अभी हमको सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट पानी निकाल सकता है, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, सी का। सी का स्पीड कितना हो गया, -1, और -1 के स्पीड से वो निकालेगा 150 लीटर पानी, तो उसको कितना लगेगा, 150 मिनट लगेगा टाइम पानी निकालने में, और वह 1 मिनट में निकालता है 3 गैलन पानी, प्रति मिनट में निकालता है 3 गैलन, तो 3 से गुना 15 45 यानी कि 450 लीटर होगा, तो लीटर, या गैलन होगा तो गैलन। ओके, आगे टाइप 7 117, ए बी सी एक साथ चलने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, ए बी सी साथ में जब चलेगा तो 4 घंटा में। पाइप ए बी और सी, आगे कहता है पाइप ए पाइप बी से दुगना तेज है, पाइप ए बी से दुगना तेज है, ये एक है तो ये दो है, और पाइप सी पाइप ए से दुगना तेज है, पाइप सी जो है ए से दुगना है, ए से दुगना है सी। अब देखिए इसका पहले तीनों को हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा है ए अकेला कितने देर में करेगा, तो पहले तो इस रेशियो को सॉल्व करेंगे, ए का 2 को वैल्यू नहीं हो सकता है, तो नीचे वाले में 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 यानी कि 2 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तीनों मिलकर 4 घंटा में करता था, तो टोटल जो है टंकी की धारिता अगर बात करेंगे तो 4 इंटू में तीनों का स्पीड, 4 2 6 और 1 7,
काम करवाना है किससे, तो ए से। ए का स्पीड 2, 2 दुना 4 तो 7 दुना 14 घंटा, तो ए कितना देर में करेगा, 14 घंटा में। ओके आगे 118। एक टंकी के 2 पाइप से भरा जाता है जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। ए और बी दोनों मिलकर एक पाइप को 36 घंटे में या 36 मिनट में भरते हैं। ए जो है बी से तेज है। देखिए कहता है एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना है, ये एक है तो ये 3 है, ठीक है। दोनों मिलकर 36 घंटा में करते हैं तो 36 इंटू दोनों का स्पीड 3 और 1 4। पूछा है कि धीमा पाइप कौन है, एक स्पीड वाला, तो डिवाइड बाई 1। 36 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, 144 मिनट लगेगा। आगे 119। पी पाइप और पाइप क्यू से दुगना तेज है। पी जो है क्यू से दुगना तेज है, ये एक है तो ये 2 है, और क्यू आर से दुगना तेज है, और फिर आर भी है। क्यू जो है पाइप आर से दुगना तेज है, ये एक है तो ये 2 है। इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो ये 2 को, यहाँ कुछ नहीं तो 1 को, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहता है क्या कि तीनों पाइप एक साथ एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। 8 घंटे में तीनों एक साथ भरता है, 4 2 6 और 1 7 के स्पीड से। कहता है क्यू को अकेला, क्यू का स्पीड कितना है, 2, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से ये 4 बार में था, 7 चौक 28 घंटा। आगे 120। 3 नल पी क्यू आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। पी क्यू आर इसका 2 टाइम लगता है, ये 1 लेता है, ये 6 लेता है, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो पूछा है कौन सा नल सबसे तेज है। जो ज़्यादा टाइम लेगा वो कम स्पीड होगा, और जो कम स्पीड टाइम लेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो हमको स्पीड बताना है, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा तो 6 1 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 6 2 3 6, 1 से 6 और 6 1 6। तीनों में स्पीड किसका ज़्यादा है, क्यू का स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो क्यू जो है सबसे पहले नल तेज काम करेगा। ओके आगे 121। 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। कौन कौन पाइप है, पी क्यू आर, ये 30 मिनट, ये 20 मिनट, ये 10 मिनट, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दुना 60, 20 3 60, 10 6 60। कहता है कि जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिए जाते हैं। वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन HTU का निर्वहन करते हैं, ये S का निर्वहन करते हैं, ये T का निर्वहन करते हैं और ये U का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये तीनों चला 3 मिनट के लिए, तो तीनों चलेगा तो 6 3 9 2 11, और ये चला 3 मिनट, 3 डिवाइड बाई 60। उसके बाद कहता है क्या है, ये जो टोटल वर्क है इतना में इतना मिनट, मतलब इतना रासायनिक पदार्थ गया। ओके उसके बाद कहता है कि यू के अनुपात के साथ, तो अनुपात यू कितना है, तो यू का 6 है, इंटू में ये भी 3 मिनट चला और टोटल काम था 60, तो 60, 60 से 60 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 11:6 या फिर 6:11, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 11:6, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपका 6:11, तो उलट दीजिए। ओके आगे 122। यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है तो 5 पाइप जिसमें प्रत्येक की क्षमता पी की 20% है, पी की 20% है, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो एक पाइप 10 मिनट लेता है, पी जो है 10 मिनट लगता है, और प्रत्येक की क्षमता पी से जो है, मान के चलिए पी और एक दूसरा पाइप क्यू है, पी की 20% है, अगर ये 100 होगा तो ये 20% है, ठीक है, पी का 20% 20, ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 10 मिनट में भरता है, ये स्पीड की बात है, ये 10 मिनट में भरता है, 100 के स्पीड से इसको काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट में 5 के स्पीड से भरता है, तो 10 गुना 5। कहता है क्या कि इसी को पी जो 5 जिसमें प्रत्येक की क्षमता पी से 5 पाइप खोलता है, यानी कि एक पाइप का स्पीड 1 है, तो 5 को पाइप खोलेगा तो 5 का स्पीड रहेगा, ठीक है, तो डिवाइड बाई 5, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, यानी कि 10 मिनट, ऑप्शन ए। आगे 123।
PQR ऐसा पाइप है जिसके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयन ए बी सी का निर्वहन होता है। PQR अकेले अकेले संचालित होने पर टैंक 30, 20 और 10 मिनट में भर जाता है। जब टैंक खाली होता है तो सभी पाइप को खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में विलयन। सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर आता है 6/11, डी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन और 121 नंबर क्वेश्चन सेम है। ओके चलिए आगे 124 देखिए। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/12 क्षमता पर कार्य किया। दूसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/9 क्षमता पर कार्य। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबी है, ठीक है। हमें लगता है कि यहाँ 5वें घंटे के बाद उधर भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नीचे में पढ़ते जा रहे ऊपर से भूलते जा रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रोसेस करते ही चलते हैं। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। कोई पाइप है जो 2 घंटे में भर सकती है, और इसका एक ही तरीका है 1/2 में जो भिन्न लेकर किया जाता है वैसे। देखिए यहाँ एलसीएम मेथड नहीं चल सकता है, हो सकता है एलसीएम पे भी ये बन जाए लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 2 घंटा में पूरा काम कर सकता है तो 1/2, ठीक है। कहता है कि हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12 काम किया, 1/12 काम किया तो 1/12। फिर कहता है कि दूसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/9 काम किया तो 1/9। फिर तीसरे घंटे जो है किया कितना, इसने अपनी क्षमता का 1/6 किया। फिर चौथा घंटा भी होगा, इसने अपनी क्षमता का 1/4 किया। और पाँचवा भी घंटा है, देख लेते हैं इधर अब क्या दे रखा है। पता नहीं इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में सॉल्व किए होंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कहता है क्या कि 5वें घंटे ने जिसे इसकी क्षमता का कार्य करना चाहिए था उसकी तुलना में केवल 1/3 किया। 5वां घंटा 1/3 किया, तो ये तो एक पाइप का काम हो गया जो 5 घंटा का काम था। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है। कहता है क्या कि दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया, लेकिन यदि वह अपनी पूरी गति पर कार्य करती तो इसे खाली टंकी को 4 घंटे में भर देना था। ये 2 घंटे में भर रहा था, ये जो पाइप था 2 घंटे में भर रहा था, लेकिन दूसरा जो पाइप है 4 घंटे में भर रहा है, तो 1/4। फिर उसी प्रकार ब्रैकेट, यदि दोनों पाइप को टंकी को स्थिर गति से खाली करती है तो एक साथ चालू होती है तो आधी टंकी को 5 घंटे में भरा जाता है। आधी टंकी को भरना है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। आधी टंकी को 5 घंटे में भरना है, आधी टंकी को 5 घंटे में भरना है। यदि अकेली खाली करने वाली पाइप को चलाया जाता है तो इसे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए आपको दूसरा वाला पाइप का कोई भी डाटा नहीं दे रखा है, तो डाटा क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ कहता है कि दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया। दूसरी जो पाइप था वो भी ऐसे ही कार्य किया जो पहली पाइप किया वैसे ही, तो इसको भी सेम टू सेम इस प्रकार लिख लीजिए 1/12, 1/9, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3, और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। कहता है क्या कि जब आधी टंकी खाली थी तो 5 घंटे में भरा जा सकता था। आपको ये वो टंकी था जो भर सकता था 5 घंटे में, ठीक है। अकेले खाली करने वाली पाइप को चलाया जाता है तो इसे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना घंटा लगेगा। हमको कितना घंटा लगेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन चलाना कितना है, 5 घंटा चलाना है। तो 1 घंटा में 1/x मतलब कि एक नल जो है, देखिए 5 घंटा में खाली करना है तो वो कितना देर में खाली करेगी नहीं पता है, तो 5/x इसको आप सॉल्व कीजिए। और टंकी कितना है तो आधी खाली टंकी है, ठीक है। एक साथ चालू होती है टंकी, आधी खाली है, यानी कि 1/2। आधी मतलब क्या, 1/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2, 12, 9, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 36 36 हो जाना चाहिए एलसीएम। 12 3 9 4 6 1 फिर 9 4 और फिर 12 3 प्लस 1/4, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 36 ही आएगा क्योंकि सेम है, तो 3 4 6 9 12। अब माइनस का 5/x बराबर 1/2, देखिए 4 3 7 7 6 13, 13 2 15 10 25, 5 3 4 34, तो 1/2 × 34/36 दूसरे ये 17 बार में प्लस 1/4 इंटू इसको जोड़ लेते हैं तो 12 9 21 6 27 4
इकतीस तीन 34 बट्टा 36, यहाँ भी अब माइनस का 5/x बराबर 1/2। चलिए आगे, यहाँ हो गया 17/36 प्लस, यहाँ पे अगर करेंगे तो ऊपर में 34 नीचे में 36 और 4 का गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 2 14 माइनस का 5x, तो 5x को उधर जाने देते हैं, इसको इधर आने देते हैं, बराबर 5/x हो जाएगा। हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 144 हो जाएगा एलसीएम, 36 से 4 बार में 77 चौका 68, 144 से ये 34 और ये 2 से 7 और 2 72 बार में, तो ऊपर में 72 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है 5/x। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो 8 4 12 के 2, 6 3 9 1 10, 102 माइनस 72 बट्टा में 144 बराबर 5x बट्टा x, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3 बट्टा 144 बराबर 5/x, 5 छक्का 30, 6 दूना 12, 2 4 6 चौका 24, तो x का वैल्यू आ गया 24, यानी कि कितना 24, ऑप्शन में देखिए 24 बी नंबर, तो कितना घंटा लगेगा 24 घंटा लगेगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा प्रश्न पूरा एक लाइन में, ओके। तो ऐसे ही प्रश्न हो सकता है कि एक दो प्रश्न और हो तो इसी पैटर्न पे वो भी प्रश्न बनेंगे। आगे 125, एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइपें एक पाइप दूसरी से डेढ़ गुनी अधिक कुशल है, ए बी से डेढ़ गुनी अधिक कुशल, ये है एक है तो ये 1.5, ये इफिस स्पीड है, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0, 5 2 10, 5 3 15, ये स्पीड है, टाइम में क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, ये 2 तो ये 3। देखिए ये रेशियो में है तो इसके साथ आपको एक्स लगाना होगा, ओके, क्योंकि रेशियो का जो वैल्यू होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये रेशियो का वैल्यू ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ओके। कहता है कि यदि दोनों पाइप एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती है जो अकेले 12 घंटे में टंकी को भर सकती है, अब कोई एक और पाइप है जो 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम कितना है इसका 2x है, इसका 3x है, और तीसरा जो पाइप है इसका फिक्स है टाइम 12 घंटा ये लेता ही लेता है, ठीक है, लेकिन इसका टाइम फिक्स नहीं क्योंकि ये रेशियो में है। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, 12 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 12x हो जाएगा, 2 से यहाँ 6 बार में, 3 से यहाँ 4 बार में, और 12 से 12 कटेगा तो यहाँ पे x आएगा, और x क्या आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। x माइनस में कैसे आएगा, क्योंकि x जो है खाली करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए कहता है कि खाली टंकी को 28 घंटे में भरा जा सकता है, कोई खाली टंकी है जिसको 28 घंटों में भरा जा सकता है, कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी में कितने समय में भरेगा, ठीक है। देखिए ये दोनों मिलकर भरेगा, टोटल 12x लीटर पानी भरना है, ये दोनों मिलकर कितना भरेगा 6 4 10 लीटर भरेगा, ये x लीटर खाली कर देगा और भराता टोटल 28 घंटा में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3 12, 7 4 28 क्रॉस गुना करेंगे तो 3x माइनस 7x, 7 2 70 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 7x बराबर इधर हो जाएगा 70, 7 और 3 10x बराबर 70, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो x का वैल्यू आ गया 7। आपसे पूछा गया है कि कम कुशल पाइप, तो जो टाइम अधिक लेगा, ठीक है, वो कम कुशल होगा। तो टाइम अगर इसमें गुना करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी तो 12 घंटा लेगा और ये तो खाली कर रहा है, बी 2x टाइम ले रहा है तो 2 में x से गुना करेंगे यानी कि इसको लगेगा 14 घंटा, और बी को कितना लगेगा 3x, 3 × 7 तो 7 3 21 घंटा, यानी कि बी जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है, यानी कि इसका जो स्पीड है वो कम है, ओके। आगे 126, पानी के एक टैंक को तीन पाइप एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है, पाइप जेड और पाइप वाई से 3 गुना तेज है, पाइप जेड जो है वाई से 3 गुना तेज है, ये एक है तो ये 3 है, पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना है, और पाइप वाई पाइप एक्स से दुगुना है, पाइप वाई पाइप एक्स से दुगुना है, ये एक है तो ये 2 है, तो x अकेला, तो पहले इसका रेशियो को सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 को यहाँ कुछ नहीं तो ये 2 उठ कर आएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो ये 1 को डाल दीजिए, 3 2 6, 2 1 2 1 1 1, तीनों मिलकर जो है 5 3 घंटा में करता है, तो 5 × 3 का स्पीड 6 2 8 और 1 9 डिवाइड बाई एक्स से काम करवाना है, एक्स का स्पीड 1 तो 1, तो 9 5 45 घंटा लगेगा टोटल। आगे
127। दो इनलेट पाइप जिसमें से पहला इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप से दुगना सक्षम है, एक इनलेट पाइप ए दूसरा बी। कहता है कि पहला जो है पहला दूसरे पाइप से दुगना सक्षम, ये एक है तो ये दो है सक्षम है, यानी कि स्पीड है। एक आउटलेट पाइप जो कि 12.5 घंटे में टंकी को भर सकता है, इसके साथ आपको एक्स लेना होगा, ठीक है। अब ये टाइम की बात करेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा और इसको हो जाएगा 2x। कहता क्या है आगे, ए को लगा एक्स टाइम, बी को लगा 2x टाइम, और कोई सी जो है भारी टंकी को, सी जो है 12.5 घंटा में भरे हुए होज को खाली करती है, 12.5 घंटा में होज को खाली कर रही है। टाइम था, स्पीड की बात करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 12.5 के एलसीएम, 12 दूना 24, 1 25, 12 3 36, 12 4 48 और 2 50। एलसीएम को ले लेते हैं 50x, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ 50 आएगा, 2 से x तो यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 से यहाँ पे 4x आ जाएगा। ओके, आगे कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए खाली होज को 2.5 घंटे में भरा जा सकता है, कम क्षमता वाले इनलेट पाइप खाली होज को कितने घंटे में भरेगी। सेम प्रश्न था 125 का, ठीक है। ये दोनों मिलकर 75 पानी भरेगा, टोटल 50x पानी को भरना है, ये दोनों मिलकर कितना 75 पानी भरेगा, लेकिन ये क्या करेगा 4x पानी को निकाल देगा। बराबर कितना घंटा लगता है, तो 2.5 घंटा लगता है टोटल करने में, तो 2.5 पॉइंट हटाएंगे, 1 0 25 दूना 50 क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 10 को 2 से तो 20x, और ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस में 4x बराबर 75, 20 और 4 24x बराबर 75। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3.2472, फिर 3 0 24 एकम 24, फिर 6 0, यहाँ पे 3.1 के अप्रोक्स में ले लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कि खाली होज को कितने घंटे में भरेगा कम क्षमता वाला, ठीक है। तो कम क्षमता किसका होगा, जो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये जो देखिए बी जो है 2x टाइम ले रहा है, तो बी का जो होगा 2 × x का वैल्यू कितना, 3.1, यानी कि 2 3 × 2 = 6.2 आंसर होना चाहिए, तो 6.2 बी नंबर। ओके, आगे 128 देखिए, एक पाइप देखिए, ये सेम प्रश्न है, ठीक है, जो अभी हम लोग 124 नंबर प्रश्न किए थे ना, वही प्रश्न ये भी है, ठीक है। एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, कोई खाली टंकी है जो 2 घंटे में भर सकती है, तो 1/2। कहता है कि हालांकि पहले 2 घंटे के दौरान, अब पहले 2 घंटे के दौरान इसने कुछ काम किया, अपनी क्षमता का 1/12 भाग, दूसरा घंटा 1/2, दूसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के 9/9 भाग यानी कि 1/9, तीसरे 2 घंटे के दौरान, 2 घंटे मतलब क्या, 2 को हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो तीसरे घंटे क्या कहता है, 2 घंटे के दौरान, तीसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/6, चौथे घंटे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/4, और पाँचवें 2 घंटे के केवल 1/3 काम किया। तो ये इस प्रकार से इसको तो बंद कर दीजिए, और एक दूसरा पाइप भी इसी प्रकार प्रदर्शन को दिखाता है। अब दूसरा पाइप भी जो है इसी प्रकार को प्रदर्शन को दिखाता है, लेकिन अगर यह पूरी रफ्तार से काम करता तो 4 घंटे में कर सकता था, ये 2 घंटे में कर सकता था, ये अगर पूरी रफ्तार से करता तो 4 घंटे में कर सकता था, 1/4, ये भी इसी प्रकार कार्य किया, 2 × 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3। आगे क्या कहता है कि जो एक नियत दर से टंकी में, देखिए खाली कर चुका है, एक ड्रेन पाइप भी है जो एक नियत दर से टंकी से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ चालू करें तो खाली टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है, अगर अन्य 2 पाइप बंद रहे तो ड्रेन पानी कितने घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कितना पानी भरना है, आधा टंकी भरना है या फिर आधा टंकी खाली करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे सीधे पूछा है कि टंकी को पूरी तरह खाली करना है, पूरी तरह मतलब क्या, पूरा टंकी को खाली करना है। तो कोई एक तीसरा पाइप है, ठीक है, जो 10 घंटे में भरा जा सकता था, लेकिन वो 10 घंटे क्या है, चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो कितने घंटे में पानी निकालेगा ये नहीं पता है, तो एक्स घंटे में पानी को पूरा बाहर निकालेगा, और टोटल काम कितना करना है, 1, यानी कि पूरी टंकी को बाहर पानी निकालना है। इसको फिर उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 2 रहेगा, एलसीएम आया था 36, ऊपर में जोड़ने पे 12 9 6 4 का एलसीएम 36, तो 12 3 36, 9 4 36, 6 1 36, 4 से 9 4 36 और 12 3 36,
फिर 1/4, 2 × 3, 4, 6, 9, 12 डिवाइड बाई 36, अब माइनस का 10/x बराबर 1। अब इसको सॉल्व किए थे तो 1/2 × 2 × ऊपर में जोड़े थे तो 34/36 आया था, 1/4 × 2 × ऊपर में जोड़ेंगे तो 34/36 माइनस 10/x इक्वल टू 1। ओके आगे, तो इसको अगर अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 34/36, ये 2 से 2 और ये 2 से 17 बार, यहाँ बचा 17/36। माइनस का 10x को उधर जाने देते हैं, ठीक है, और 1 को इधर आने देते हैं, तो 10 इधर 1 आ जाएगा माइनस में और उधर चला जाएगा तो 10/x आएगा, ये 1 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो होगा 36, 36 तो यहाँ 34+17 और माइनस का यहाँ 36 बराबर 10/x। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 17 * 3 = 51 होगा, या फिर 36 - 2 = 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15/36 बराबर 10/x। 5 * 3 = 5, 2 * 3 से इसको काटेंगे तो 12 * 3 = 36, तो x का वैल्यू भी यहाँ क्या आ जाएगा, 12 * 2 = 24 घंटा। ओके 24 ए नंबर, तो समझ गए। इसी प्रकार आप आगे जो भी प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट 129। 2 इनलेट पाइप में से 1 इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा दोगुना कुशलता से काम करता है। 1 ड्रेन पाइप पूरी तरह टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दे तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कम कुशलता वाले पाइप कितने घंटे में खाली करेगी ये बताना है। ऐसा टाइप का भी हम लोग 2 को प्रश्न किए हैं, 125, 127। देखिए आपका 129 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आगे 130 देखिए, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप XYZ से भरा जा सकता है। ये भी प्रश्न ऐसा कर चुके हैं लेकिन आपको करा देते हैं। XYZ जो है 6 घंटे में भर सकता है, Z जो है Y से 3 गुना है, ये 1 है तो ये 3 गए है, Y X से 2 गुना है, Y जो है X से 2 गुना है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 2 यहाँ 1 रेशियो बनाएगा तो 6 2 1 पूछा है X के द्वारा, तीनों मिलकर 6 घंटा में करता है, 6 2 8 और 1 9 डिवाइड बाई X से पूछा है तो X का 1 तो 9 6 54 घंटा, और शायद ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, ठीक है। आगे 131। 2 इनलेट नल जिसमें 1 नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुना अधिक है। देखिए सेम प्रश्न ये भी है, 125, 127, 129 ये सभी क्या है आपका, सेम है। ओके इसको भी आप कर लीजिएगा। 132 32 कहता है, ठीक है, 2 इनलेट पाइप ए और बी में ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी, ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी, ये 1 है तो ये 2 है, ये स्पीड है, टाइम में क्या हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, इसके साथ x लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, रेशियो है। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है जो एक भरे जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसे खाली जलाशय को भरने के लिए किए जाने वाले समय से 3 गुना समय लेता है। सी जो है क्या कहता है, पाइप ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिए गए समय का 3 गुना लेता है, ये अगर एक्स समय लेगा तो ये 3x समय लेगा। ओके जलाशय खाली होने की स्थिति में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो जलाशय को भरने में 6 घंटा लगता है। टाइम था, स्पीड की बात करेंगे तो 6x हो जाएगा, एक्स से तो 6 बार में, 2 से तो 3 बार में, और 3x से तो 2 बार में। कहता है कि तीनों को साथ में खोला गया तो जलाशय को भरने में 6 घंटा लगता है। ए और सी एक साथ कार्य करे तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों को खोलेगा तो ये 6 3 9 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, ठीक है, यानी कि भराया कितना, तो 9 में से 2 जाएगा 7 लीटर। भरने में 6x टोटल भरना था, लगता है 7 की स्पीड से, कहता है कि 6 घंटा लगता है, तो 6 6 से 6 लगा तो x का वैल्यू आ गया 7, यानी कि टोटल काम की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 गुना में 7 यानी कि टोटल काम हो गया 42। टोटल काम कितना हो गया 42। कहता है ए और सी, तो ए का स्पीड कितना है 6 और सी का स्पीड कितना है 2, अंतर हो जाएगा कितना 4 का, 4 के स्पीड से करेगा 42 काम तो कितना लगेगा 10.5 घंटा, 4 के स्पीड से भाग करेंगे तो 10.5 घंटा, बी नंबर। ओके आगे 133। एक नल पानी के टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया गया, फिर समान क्षमता के 2 और नल को खोल दिया गया,
फिर 15 मिनट बाद टंकी की पानी निकालने के लिए एक नल से दुगना क्षमता वाले एक और नल को खोल दिया गया। टंकी को भरने में कितना समय लगा ये बताना है। टोटल टाइम की बात कर रहा है कि 4 घंटा लगता है, लेकिन क्या हुआ कि 4 घंटा का 3/4 भाग तो उसने काम कर लिया। 4 घंटा में 3/4 पानी भरा गया, यानी कि कितना घंटा का काम हुआ, यहाँ 3 घंटा का काम हुआ। अब देखिए कि 3/4 काम हो गया, 4 में से 3 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 1/4। और ये 1/4 जो काम होगा 4 घंटा में होगा, तो कुछ ना कुछ घंटा इसमें भी लिया होगा, तो 1/4। और ऐसा ऐसा क्या कहता है कि पहले एक नल तो चलिए रहा था और दो और नल खोल दिया गया, तो पहले एक नल और फिर दो नल, टोटल कितने नल हो जाएंगे, 3 नल। तो यहाँ 3 नल का काम हो गया, तो 3/4 = 16। और ये कितना मिनट चला, तो ये कहता है 15 मिनट बाद, यानी कि ये नल 15 मिनट चला, यहाँ पे जो टाइमिंग आ गया 15 मिनट। ओके, तो यहाँ पे कितना टंकी भराया, 3/16। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो होगा 16, 4 × 16 तो 12 + 3, यानी कि 12 × 3 = 15/16 काम हो चुका है, 16 में 15 काम हो चुका है, काम कितना बचा, 1/16। अब क्या कहता है कि 15 मिनट के बाद पहले से नल जो खुल रखा था उसके बाद जो है दुगनी क्षमता का नल एक और खोल दिया गया जो पानी को बाहर निकालता है। तो पहले जो है 4-4 क्षमता का था, ठीक है, 4-4 घंटा में कोई भर सकता था, यानी कि टाइम जो था ये 4-4 घंटा में ले सकता था, तो 3 नल चल रहा था, ठीक है। अब क्या कहता है कि दुगनी क्षमता का है तो टाइम क्या लेगा, आधा। दुगनी क्षमता का है तो टाइम क्या लेगा, आधा। ये टाइम था, स्पीड की बात करेंगे तो 4-4-4, ये 3 नल पहले से चल रहा था और ये निकासी नल है तो 2, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 1, 1, 1 और 2 × 4, यानी कि यहाँ पे इसका स्पीड 2 का, काम कितना करना है, 1/16, तो इसका 1/16। ओके, ये दोनों तीनों मिलकर 3 लीटर पानी भरेगा और ये 2 लीटर पानी हेराएगा, यानी कि काम कितना होगा, 1 लीटर, 1 के हिसाब से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 × 1/16, और 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 4 × 16, यानी कि 1/4 टाइम यहाँ लगा, 1/4 यहाँ लगा, 3 घंटा यहाँ लगा, 15 मिनट यहाँ लगा। आपसे पूछा गया है टोटल टाइम, तो यहाँ 3 घंटा 15 मिनट है, ये 1/4 मतलब ये भी 15 मिनट, 1/4 15 मिनट कैसे, तो 1/4 × 60 से गुना, 4 से ये 15 × 60, यानी कि 15 मिनट, 15 15 30, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटा 30 मिनट, डी नंबर। ओके, आगे 134। दो इनलेट पाइप जिसमें एक दूसरे से दुगनी क्षमता का है, ए बी से दुगनी क्षमता का है, ये स्पीड है, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, ये एक तो ये दो, इसके साथ एक्स ले लीजिए, ठीक है। कहता है कि एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, सी कोई आउटलेट पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो कम क्षमता वाला ऐसा प्रश्न पीछे कर चुके हैं, कई गो प्रश्न हम छोड़े भी थे कि आप लोग कर लीजिएगा, तो फिर ये प्रश्न आ गया तो इतना डाटा लिख लिए तो करा देते, ठीक है। 10 × 2 x का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 को 10 से देखिए x हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 10x, ठीक है, x से x कट जाएगा तो 10, 2x से 2x से x, 2 से ये 5 बार में, 10 से 10 कटेगा तो यहाँ x बार में। कहता है क्या है कि तीनों को खोला गया और c जो है पानी खाली करने वाला, ये दोनों मिलकर 15 भरेगा और c x खाली करेगा, यानी कि टोटल 15 - x बराबर, इस प्रकार टोटल 2.5 घंटा लगता है, यानी कि 2.5/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 50 25 5 × 10, क्रॉस गुना करेंगे तो 20x = 15 × 75 - 5x, 5x इधर आएगा तो 20 में 5 25x = 75, यानी कि x का वैल्यू हो गया कितना, 25 3 3। हमसे पूछा है कम क्षमता वाला, तो कम क्षमता वाला कौन होगा, देखिए जिसके टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, तो टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, बी, बी कितना टाइम ले रहा है, 2x, x का वैल्यू आया 3, यानी कि 6 घंटा लेगा। ओके, आगे 134। पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 में टंकी को भरता है, ये 1 लेता है तो ये 4 लेता है, पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है, ये 1 समय लेता है तो ये 3 समय लेता है, ये टाइम की बात है, स्पीड की बात करेंगे तो
एक चार तीन कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12, 12 से 4 3 3 4। कहता है कि वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भरते हैं, 24 घंटे में एक खाली टंकी को भरते हैं, तीनों का स्पीड 12 3 15 4 19। ठीक है, तो सी को चालू नहीं किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अगर सी नहीं चालू होगा तो कौन चालू होगा, ये दोनों 12 और 3 15। काट दीजिए, 5 3 8 3। ऊपर भी 2 से गुना कर लेते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16, ठीक है, या फिर 19 दूना 38, 38 गुना में 8 डिवाइड बाई 10, एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 8 8 64 के 4, 8 3 24 36, और एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 30.4 घंटा। डी नंबर। ओके, आगे 136 देखिए। दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, एक की दक्षता दूसरे से दुगनी है, ये एक है तो ये दो है, दक्षता मतलब स्पीड। दोनों एक निकासी नल के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ टाइम की बात करेंगे तो ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, इसके साथ एक्स लेंगे तो ये एक्स, और सी जो है 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, अगर तीनों जो काम करें तो 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 8 2 कैल्शियम 8 एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स तो यहाँ 8 बार में, 2 से यहाँ 4 बार में, यहाँ 8 से 8 तो एक्स बार में, ये दोनों मिलकर 12 भरेगा और ये एक्स खाली करेगा, इतना की स्पीड से भरना इतना है तो 12 माइनस एक्स, टोटल टाइम जो लगता है 8 घंटा लगता है, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया तो एक्स बराबर 12 माइनस एक्स, तो 2x = 12, तो एक्स का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया 6। तो कहता है कि कम दक्षता वाले इनलेट पाइप द्वारा खाली टंकी को स्वयं भरने में, तो जो टाइम ज़्यादा लेगा उसका दक्षता कम होगा, यानी कि बी 2 × 6 यानी कि 12 घंटा लगेगा, ठीक है, ए नंबर। आगे 137। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का, देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे किए हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, सेम प्रश्न है। ओके, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़कर बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न 2 ठो पीछे हम लोग कर चुके हैं, 2 प्रश्न ऐसे ही टाइप के हम लोग किए हैं पीछे, ये भी प्रश्न उसी टाइप का है। ओके, तो देख लीजिएगा लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 38। देखिए 38। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है, सीता है रामू है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू से 3 गुनी है, ये 1 है तो ये 3 है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरे लेने लगे तो उसको दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी ड्रम में पलटनी होगी, ये हमको बतानी है। ओके, तो देखिए ये रेशियो है तो इसके साथ एक्स ले लीजिए, ठीक है, तो ये तो आपका धारिता मतलब स्पीड था, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये 3 हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। ओके, यदि सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी का उपयोग करती है, 60 बार बाल्टी का उपयोग करती है, सीता का कैपेसिटी कितना है, 3 3 × ये 60 बार जो है बाल्टी का उपयोग करती है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो x का कोई काम ही नहीं है, x जो है हम लोग रेशियो के तौर पे लिखे थे तो x का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उन दोनों को कुल कितनी बार, तो दोनों को इसका 3 का स्पीड, इसका 1 का स्पीड, टोटल 4 का स्पीड, 4 से इसको काट देंगे 15 बार में, तो 15 3 45 बार बाल्टी को उड़ेलना होगा, ए नंबर। ओके, यहाँ पे x का कोई काम नहीं है, तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आपका होता है समाप्त, नल एवं हौज। आई होप कि सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो काफ़ी डिफिकल्ट थे तो उसको उसी तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।